हम सब आज गांधी जी के बारे में, गांधी जी का विचारों के बारे में बोलते रहते हैं और कौन कितना गांधीयन है, कौन कितना गांधीयन नहीं है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। लेकिन मेरा तात्पर्य वहां नहीं होगा, मैं एक ही बात को लेकर के हम सभी को, जो लोग यहां पर आए हुए हैं, उन सभी से मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि गांधी जी का जितने भी विचार वो है स्वराज, सत्य, अहिंसा, स्वावलंबनशीलता, ट्रस्टीशिप या जितने भी स्वदेशी, ये सारा जो उनके जो विचार थे वो सब एक ही सूत्र से बंधे हुए हैं, वो है स्वराज। स्वराज से ये तात्पर्य कभी हमें नहीं रखना चाहिए कि तिरंगा को हमने लहरा दिया या सिनेमा हॉल में जाकर के हम खड़े हो गए तो हम स्वराज प्राप्त कर लिया। हमने स्वराज को प्राप्त कर ही नहीं पाया। स्वराज गांधी जी का राइटिंग्स को केयरफुली पढ़ने पर आप देखेंगे, स्वराज सबसे पहले अपने आप के ऊपर अपनाया हुआ चीजों को, स्वराज अपने आप को लिबरेट करने के लिए हम स्वराज को अपनाना चाहिए, और वह सत्य, अहिंसा, सद्भाव, सदाचार के रास्ते पर हम अपने आप को सबसे पहले आजादी दिलाएं, स्वराज प्राप्त करें। तब हम लोग कहते हैं कि कल से हम शुरू कर सकते हैं ये प्रोग्राम, कल कभी नहीं आएगा, और झूठ के ऊपर झूठ की बुनियाद पर हम खड़े होना चाहते हैं तो स्वराज ना गांधी का हम प्राप्त कर पाएंगे, ना राष्ट्र का स्वराज हम प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं दूसरों के बारे में कोई बात नहीं कहूंगा, मैं सबसे अपील करता हूं कि अपने आप में, इवन मैं जहां भी जाता हूं अपने स्टूडेंट से भी कहता हूं कि एक महीना कम से कम सत्य बोल करके देखो, एक महीना अहिंसा के रास्ते पर चलो, किसी के प्रति बुरा भाव ना रखो, और अपने बातों को मजबूती से बोलने का हिम्मत तब तुम में आएगा जब इन रास्तों पर आप अगर चलेंगे, और जब तक हम इन रास्तों पर नहीं चलेंगे, अपने बातों को रखने का हमारा कोई नैतिक अधिकार हमारे पास नहीं रहता है। इसलिए आज हमारा समाज का जो दुर्दशा है उसका एक ही मात्र कारण है कि सबसे पहले स्वराज को अपने अंदर, ये जो अंदर के अंदर में हमने जो अपने आप को आजादी दिलाने का जो कार्य है उसको जब तक हम शुरू नहीं करेंगे, गांधी जी कोई बहुत अच्छे दिखने वाले व्यक्ति नहीं थे कि सबसे सुंदर दिखने वाला व्यक्ति वो सबसे महंगा कपड़ा पहनता हो, अपना नाम उनके ऊपर लिखा हुआ कपड़ा पहनता हो, ऐसा भी नहीं। व्यक्ति गांधी जी तो पढ़ाई किया था वकालत की इंग्लैंड में, और साउथ अफ्रीका में जाकर के उन्होंने वकालत करना चालू कर दिया। हम सभी मनुष्य भगवान के अगर संतान है तो सभी को एक जैसे व्यवहार क्यों नहीं किया था? चाहे वो मार्टिन लूथर किंग हो, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, उन्हीं का जो बीड़ा उठाया था उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का, उसी को उन्होंने अमेरिका में हो चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो, उसी सपना को लेकर के उन्होंने आगे कहा गया बहुत सारी बात।
विचार कभी मरते नहीं। कोई बोली बनी नहीं, कोई तो बनाई नहीं, वो जो विचारों को समाप्त कर सकता है। क्षण भर के लिए हमें ऐसा लगता होगा कि इस बोलियों के ध्वनियों के बीच में हम उस प्रतिबिंब को नहीं देख पा रहे जो सच्चाई का प्रतिबिंब है, लेकिन वो क्षण समय के लिए होता है। अगर विचारों को मार दिया जाता तो आज विश्वभर में क्रिश्चियन धर्म नहीं होता। अगर विचारों को मार दिया जाता तो मार्टिन लूथर किंग ने जो सपना देखा था उसको पूरा नहीं होता। अगर विचारों को मार दिया जाता तो स्लेवरी कभी खत्म नहीं होती। अब्राहम लिंकन को आपने मार दिया, लेकिन स्लेवरी को आपने जो खत्म करने का उन्होंने बीड़ा उठाया था, जो मानव समाज को एक जैसे देखने का उनका जो सपना था उसको आप खत्म नहीं कर पाए। वैसे ही गांधी जी को मार दिया गया और उनका हत्या हो सकता है रोज, हर पल हर क्षण होता हो। उससे मुकाबला करने के लिए सबसे पहले हम अपने आप को उनके विचारों से ढालें, अपने आप को सत्य अहिंसा सद्भाव के रास्ते पर और सदाचार के रास्ते पर ले चलें। अपने आप को, दूसरों के बारे में मैं बात ही नहीं करता। और यहां जो प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, अगर इतने लोग चाह लें तो बहुत ही हजारों लाखों स्टूडेंट्स को, हम बहुत ही लाखों समाज के लोगों को हम प्रभावित कर सकते हैं। Thank you.